क्या हुआ है? ओए यार डरा दिया यार, ये क्या कर रहे हो भाई? इनको जो है ना घर छोड़ते हैं। क्यों, क्या हुआ है? वो गिदड़ वगैरह चले गए हैं। हाँ। मौसम बाहर का बिल्कुल फिट है, ठीक है ना। ये बाहर जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो है ना ये बज्जिस के अंडे तोड़ देते हैं, कबूतरों के अंडे तोड़ देते हैं, किसी चीज का भी अंडा यहाँ पे नहीं बच रहा, ना इनके अपने अंडे बच रहे हैं। ओए भाई कब से पकड़ रहे हो यार, हालात तो देखो, आप मुझे बुला लेते हैं आप। यार मैं अकेला था ना, मैं भाग भाग के, ये देखो पसीना पसीना हो गया। अब मुझे दे दे, क्या करें इनका? पकड़ो केज। हाँ चलो मैं केज जो ले आता हूँ, केज में जो सारी मुर्गियाँ डालते रहते हैं और फिर इनको एक साथ जो बाहर लेके जाएंगे। हाँ जी खोलो, उस साइड पे आ जाए भाई, इधर डालते जाए इसको। हाँ ये वाली भी डाल दे, और सारी मुर्गियाँ लेके जाएंगे क्या? यार एक तो छोड़ भी दो भाई, क्यों अंडे तो दे यहाँ पे। ओ भाई तो अभी भाई हमें सारी जो मुर्गी पकड़नी है, लेकिन अंतर भाई मोर का ख्याल करना भाई, मोर आजकल गुस्से में है तो इसका खास ख्याल रखना, ऐसा ना हो भाई मुर्गी पकड़ते हो ये हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो अभी मैं एक मुर्गी पकड़ने वाला हूँ। यार ये निकल गई सारी मुर्गी, सारे मुर्गे यहाँ से ले जाओ भाई, जान छोड़ो हमारी। आपने पॉलिश को ऐसे ही छुड़वा दिया मेरे हाथ। बस दोबारा पकड़ लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी से पकड़ लेते हैं भाई, क्योंकि यार काफी दिन हो गए, तकरीबन मेरे ख्याल में 3 हफ्ते हो गए हमारे पॉलिश चिकन, हमारी सब गंजी मुर्गियां यहाँ पे ठहरी हुई हैं। और आपको पता ही, जब इनको सूरज की रोशनी लगेगी तो फिर ये बीमार होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से भाई ले आओ, पकड़ो यार इसको। मैं कहता हूँ अभी ना पकड़ो, अभी सारी बड़ी मुर्गियां पकड़ के केज में डाल दो, ये छोड़ा ना फिर चूजे पकड़ना भाई। अभी तो इसको मार डालेंगे सारे। नहीं, नहीं, मारते नहीं है, मारेंगे यार। अच्छा चलो ये लें पॉलिश, ये पॉलिश ले, और मैं और जो पकड़ के आता हूँ। भाई सॉरी 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 भाई सॉरी 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 यार सॉरी। तो अभी दोस्तों हमने इतनी मुर्गे और अपने मुर्गे जो है पकड़ लिए, और छोटे चूजे ये भी हमने पकड़ लिए। तो अभी भी भाई हमें बहुत सारी जो है पकड़नी है। तो अभी कैमरा जो है मैं एक ही जगह पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और भाई अभी हम सब जो है वो पकड़ने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए हमारी हालत जो है कैसी हो चुकी है। तो भाई साहब यार हमारी हालत चेक करें आप। और अभी भाई ये वाला केज भी फुल हो चुका है, और ये वाला केज भी फुल हो चुका है। अब अंसर भाई अभी एक और केज लेने गए हैं, और वो भी फुल हो जाएगा। मुझे लगता है भाई हमें और भी एक केज लेके आना पड़ेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। वो छोटा बच्चा दो, तो छोड़ दिया मैंने। तो दोस्तों बड़ी मुर्गी जितनी भी है ना, हमने सारी की सारी पकड़ दी है, और उसको जो है ना एक ही केज में बंद कर दिया। फिर से आ जाओ भाई, आ जाओ इसके अंदर डाल दीजिए। ये केज तो भाई फुल हो गया है, इसको लॉक कर दो, इसको लॉक कर दो। तो अभी दोस्तों हमें छोटे चूजे जो वो पकड़ने हैं, जो कि माशाल्लाह से वो भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है भाई जो हम केज नया लेके आए ना, वो छोटे चूजे जो है वो फुल हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमने सारी मुर्गे, सारे चूजे, सारे चिक्स हमने पकड़ लिए, जो कि एक आखिरी बच्चा था जिसने हमें बहुत तंग किया भाई। तो अभी आखिरी को भी हम रहता है अभी हम तो फंस गए यार। अभी और हमारी हालत चेक करें भाई, सारे इधर ले आओ, इधर ले आओ, और ये भी इधर आ गया। ये देखे भाई माशाल्लाह से बहुत मुर्गियां थी हमारे पास, और बहुत ही उनके जाने चेक थे। तो ले चलो भाई अब सारी जो बाहर ले जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं गेट खोल देता हूँ। आ जाए आ जाए आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आप, ये मुझे दे। हाँ ले आओ भाई। हाँ तो एक केज और भी रहता है, वो भी जल्दी से ले आए। और ये देखे मुर्गी हमारी एक ही साथ भाई घुसी हुई है सारी, ये देखे। और ओए 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 मैं देखता हूँ भाई, मुर्गियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं भाई, जल्दी से आ जाओ। हाँ जल्दी से आ जाओ, ये रहा हमारा चूजू वाला केज जिसमें हमारे ओए खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं भाई, इसको बंद कर दें जल्दी। हाँ। जल्दी से भाई मेरी हेल्प करा, आ जा यार चलो ले चलो। भाई इधर भाई अदाब बनाया है इन्होंने भाई, सारे जो है वो अंडे यहाँ पे तोड़ देती हैं। हमारे कितने नायाब यहाँ पे पिजन ठहरे हुए हैं, एक भी उनका अंडा नहीं छोड़ा इन्होंने, सारे अंडे ये पिजन के भी खा रही हैं, और खुद अपने ये अंडे भी खा रही। क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो इसको, वजनी है भाई, एक 20-25 किलो है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आ जाओ भाई चलो।
तो भाई मुर्गी हमने घर छोड़ दिया और अब बड़े सुकून के साथ फिर रही हैं और बड़े मजे कर रही हैं भाई, क्योंकि यार एक महीना हो गया था वो हमारे बिग हाउस के अंदर ठहरी हुई थी, तो अब माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा खुश है। कल जब पिजन मिले थे ना, ये चेक करें भाई, बहुत क्यूट और बहुत प्यारे, लेकिन यार अभी इसको हम बाहर निकालेंगे। पहले हम इसके परों को जो है वो टेप लगाएंगे, उसके बाद हम इसको अपने बर्ड्स में छोड़ देंगे। और दूसरे दिन है भाई, हमने बजीज की भी कोई अपडेट नहीं ली कि बजीज ने कोई नए बच्चे या कोई नए अंडे दे दिए कि नहीं दिए। तो अभी यार तुम कितने दिनों से बैठी हुई हो, एक साइड पे हो जाओ जरा, तुम एक साइड पे हो जाओ, वो एक साइड पे तो हो जाओ ना। वो देखें यार, मुझे लगता है भाई इसके नीचे अंडे नहीं रखे हुए, पता नहीं यार ये अंडे खा गई है क्या। नहीं 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 रखे, वो देखे वो देखे वो देखे, माशाल्लाह चार अंडे इसके नीचे रखे हुए हैं यार, ये तो जबरदस्त हो गया भाई। बैठ जाओ, अब तुम बैठ सकती हो। और उधर बॉक्स वाली की क्या अपडेट है यार, बॉक्स वाली तो भाई कभी भी इधर उधर नहीं होती, बस अंडों के ऊपर बैठी रहती है। शायद हो सकता है यार इसने जो है वो बच्चे निकाल लिए, क्योंकि यार इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसने अंडे दिए हुए हैं। कुरमों के बच्चों की मुझे टेंशन हो रही है यार, ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन यार जो इसके ऊपर मट्टी लगी हुई थी ना, वो भाई अभी तक नहीं उतरी। वो देखें एक साइड पे वैसे ही लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ भाई कभी इसको बाहर निकालते हैं और अब हम उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो माशाल्लाह ये काफी बड़े हो चुके हैं और इनके मतलब जिसका जो हिस्सा है वो भी सख्त हो गया होगा, मट्टी जो है वो आसानी से खींच सकते हैं हम। और अभी इसके अंडे यार वैसे रखे हुए हैं क्या यार, इसको तो अभी बच्चे दे देने चाहिए यार, काफी दिन हो गए हैं। अब आ जाना बाहर, आ जा जरा तू बाहर निकल के आ जाना, बाहर आएगी तो पता चलेगा ना यार, इसको ज्यादा तंग नहीं करते भाई। अच्छा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ ना यार, मेरे पास आ जाओ। तो यार जैको ने मुझे यार कल बाइट की थी घर पे, तो भाई इधर से ना मुझे ब्लड निकल के आ गया था। मैं समझ रहा था कि जैको हमारा बिल्कुल शरीफ हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जब इसको मौका मिलता है ना भाई, तो फिर ये नहीं छोड़ता, फिर ये फौरन से जैको काट लेता है। आ जाओ यार, रैबिट मेरे पाँव के नीचे आ गया, ये देखिए भाई उसके बाल भी बेचारे के झड़ गए हैं, जो कि मेरे जूते के ऊपर लग चुके हैं यार, मुझे पता भी नहीं चला। और वो नीचे बैठा हुआ था, मैं जो अपने जैको के साथ खेल रहा था, मुझे नहीं पता चला यार वाकई में नीचे जो है रैबिट बैठा हुआ है। तो भी आ जाओ जैको, आ जाओ जैको को यार पहले पहले हमें अक्सर जो इस तरह उठाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये खुद भी आ जाता है यार। नहीं करो जैको ऐसा, ना किया करो यार। हाँ अब मुझे पता है भाई, जिस दिन भी तुम्हारे पर आ गए ना, तो तुम उड़ने की कोशिश करोगे और उड़ ही जाओगे, लेकिन उससे पहले भाई हम क्या करेंगे, मुझे एक ऐसा बंदा मिला है जिसने कहा है कि भाई इसके जब भी पर बड़े हो जाए ना, तो मेरे पास ले आना अपनी नैलो भी और अपने जैको भी, तो मैं आपको इसके पर जो है वो बांध दूंगा धागे के साथ, मतलब कोई भी इसको तकलीफ नहीं होगी और ये उड़ेगा भी नहीं। इस तरह बैठा हुआ है ना, इस तरह ये बैठा रहेगा और इसके पर भी बड़े रहेंगे जो कि खूबसूरत भी लगेंगे और ये उड़ भी नहीं सकेगा। अब वापस चले जाओ, अब तो भी भाई बिग हाउस में चलते हैं और देखते हैं कि भाई बिग हाउस की क्या सूरत हाल है। भाई अब तो बिग हाउस हमारा वैरान ही लग रहा होगा, क्योंकि भाई हमारे पास बहुत सारी मुर्गियां और उसके बच्चे थे, तो इस वजह से भाई हमारा बिग हाउस जो है भरा पड़ा लगता था। तो अभी देख लेते हैं कि भाई बिग हाउस हमारा किस तरह लग रहा है। 1 2 3 गो। अब ये देखें यार बिग हाउस, ये देखिए अब मुर्गी प्यार से खाली हो चुकी हैं और हमारा बिग हाउस जो है वो वैरान लग रहा है। वैरान तो नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पिजन जो है वो ठहरे हुए हैं माशाल्लाह से। और उई यार एक बच्चा तो अभी भी इधर फिर रहा है, ये देखिए आप ये यार। हमने तो पूरी कोशिश की है कि सारे बच्चे जो पकड़ सकें, लेकिन यार पता नहीं ये कहाँ पे छुपा हुआ था, मुझे लगता है भाई ये इस कूलर के नीचे ही छुपा हुआ था, तो जो कि अभी निकल के आ रहा है। यार तुम्हारे बाकी साथ घर पे छोड़ के आए यार, तुम इधर क्या कर रहे हो, यहाँ पे कहाँ छुप गए थे? तो चलो यार ऐसा करूँगा मैं, यार क्या हो गया, मैं तुझे तो कुछ नहीं कह रहा यार, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों से और मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गया है, ये क्या बात हुई? तो यार मैं कह रहा था कि वो वाला शूज़ हम शाम को ही घर में शिफ्ट कर देंगे। अभी ये अंदर किस चीज़ का आया हुआ है यार, ये देखें ये पिजन का ही होगा यार, और किस चीज़ का हो सकता है, लेकिन पिजन का इतना बड़ा अंडा तो नहीं हो सकता भाई। ये मुझे लगता है भाई किसी मुर्गी ने अंडा दिया है भाई साहब, मुर्गी भी चली गई है और उन्होंने अंडे भी जो है अब देना शुरू किए। ये देखें ये मुर्गी का अंडा ही है, बिल्कुल 100% ये मुर्गी का अंडा ही है। तो अभी हम इसको इधर रख देते हैं यार, जो हमारे पिजन इधर घुसे होते हैं ना अंडे देने के लिए, अब बाहर आए हुए हैं और मैं उनकी शक्ल दिखाता हूँ भाई। ये देखिए भाई उनके जिस्म से पूरे जो पर निकले हुए हैं, वो देखिए हम बिल्कुल जख्म सा बना हुआ है। और इधर भाई देख लें, ये सेम इसकी भी यही सूरत हाल है भाई। यार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है इनके साथ, या तो भाई ये अंदर जाते हैं इस वजह से भाई इनके पर जो हैं वो टूट रहे हैं और इनको जख्म हो रहे हैं, या फिर ऐसा होता था ये अंदर चले जाते होंगे और ऊपर जो मुर्गी के बच्चे और मुर्गी हमारे मुर्गे वो आके इन बाल जो उखाड़ लेते होंगे, इस वजह से भाई ये बिल्कुल गंजे हो चुके हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ भाई 2-4 दिन मजीद मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई अभी तो मुर्गियाँ हमारी बाहर चली गई हैं, अगर मुर्गियाँ ऐसा कर रही थी 4-5 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर भाई इसकी वजह है तो भाई ये हमें बंद करना पड़ेगा और इन पिजन को जो हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई और रास्ता नहीं है हमारे पास, वरना तो ये पिजन जो है हमारे एक्सपायर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल अपने जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।